नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। कमेंट सेक्शन में एक गंभीर क्वेश्चन पूछा गया कि आज 25 साल एज है हमारा और 30 साल तक SIP करता रहा करता रहा करता रहा, 55 साल के एज में हमारा वेल्थ क्रिएशन हो गया, तो पेंशन अब वहीं से लेना है या फिर उस पैसे को दूसरे ड्रम में उछल दें और वहाँ से छोटा सा नल लगा के पानी पीना शुरू करें, जीवन यापन करना शुरू करें। तो वहीं से लें, मतलब जो हाँ वेल्थ क्रिएशन कर लिया उसी ड्रम से पानी लें, या उसको वेल दें दूसरे जगह स्विच कर दें उसके बाद पैसा लेना शुरू करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में देखते हैं। मान लेते हैं कि 10,000 का SIP पर मंथ करते हैं और 30 साल तक लंबा समय है, 12% के रेट से 3.5 करोड़ रुपया बन जाता है। कैलकुलेटर में यहाँ आते हैं, 10,000 रुपये पर मंथ मात्र 30 साल तक 12% के रेट से 3,52,00,000 रुपया बनता है। 13 से क्या होगा, 14 से क्या होगा, 15 से क्या होगा, वो आप खुद चेक कीजिए। हम यहाँ 12 कैलकुलेट कर रहे हैं, 12 से 3.5 करोड़ रुपया बन गया। अब जब 3.5 करोड़ रुपया बन गया, उसके पहले यहाँ पे आपका एक सवाल होगा कि 10,000 तो बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपसे पूछता हूँ अब क्या करते हैं। हम दुकान करते हैं, कपड़ा का दुकान हो सकता है, दवा का दुकान हो सकता है, पान का दुकान हो सकता है, चाय मिठाई ग्रोसरी शॉप जो भी है आपके पास, क्या इन सब को चलाने के लिए अपने पास आप एक स्टाफ रखें और उस स्टाफ का सैलरी क्या है। तो आप कहते हैं कि 10 से 15 हज़ार है, तो मैं ये बोलता हूं आप अपने आप को भी एक स्टाफ मान लीजिए और 10,000 रुपये पर मंथ अपने आप को देने लगिए और ये सोचिए कि ये पैसा वापस कभी नहीं आ सकता है। सोचिए जिस स्टाफ को आप पैसा देते हैं, क्या ये सोचा है कभी कि वहां से पैसा वापस आ जाएगा? नहीं आएगा। तो अपने आप को भी ऐसा एक नौकर ही समझना है। जब इस नौकर के पास 30 साल के बाद 3.5 करोड़ का वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा, तब आपसे उस समय कोई क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई, अभी भी पूछेंगे कि 3.5 करोड़ का वैल्यू उस समय क्या होगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा, इतनी सा होगा, इतनी सा होगा, कितना होगा। तो मैथ के रूप में आंसर बोलते हैं कि 3.5 करोड़ रुपया जो उस समय था, 5% का इन्फ्लेशन अगर काउंट करूं, महंगाई काउंट करूं, तो 30 साल के बाद उसका वैल्यू बचता है 81 लाख रुपया। मतलब इसका क्या मतलब है, दूसरा अर्थ है कि 81 लाख रुपये में आज आप जितना चीज़ खरीद सकते हैं, जो भी खरीद सकते हैं, प्लॉट फ्लैट घर गाड़ी जो भी खरीद सकते हैं, 81 लाख रुपये में खरीद लिया। इतना ही चीज़ खरीदने के लिए उस समय 30 साल के बाद 3.5 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा यदि 5% का इन्फ्लेशन हो। तो यहाँ पे 10,000 रुपये पर मंथ करके 12% के रेट से 30 साल में आपने 3.5 करोड़ का वेल्थ क्रिएशन कर लिया। अब यहाँ से पेंशन लेना शुरू करेंगे 2,10,000 रुपया। कैसे हुआ ये कैलकुलेशन, यहाँ पे स्टार SIP के कैलकुलेटर में पेंशन में गए, 3.5 करोड़ रुपया लिखा और 2,10,000 रुपये लेना शुरू किया आने वाले 15 साल तक, और 9% का रिटर्न मात्र मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो टोटल पेंशन 3.78 करोड़ ले लेंगे और पैसा बाद में बैलेंस बचेगा 5.42 करोड़। यदि 15 साल तक लिया तो ये बात है, यदि जिंदा रह गए 25 साल तो टोटल पेंशन विड्रॉ करेंगे 6.30 करोड़ और बाद में बैलेंस बचेगा 9.20 करोड़। ये हमारे नॉमिनी को जो भी घर में परिवार हैं उसमें बांट देंगे, एक ऐसा विल बना लेंगे, सबको पैसा डिवाइड कर दिए और हम इतना खा के ऊपर चले गए। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि एक क्वेश्चन फिर पूछा जाएगा कि 2,10,000 उस समय पेंशन मिलेगा, उसका वैल्यू उस समय क्या होगा, इतना सा होगा, इतना सा होगा, इतना सा होगा, कितना होगा। तो मैथ के रूप में आंसर बोलते हैं कि उस समय जो 2,10,000 है, 30 साल के बाद अगर देखा जाए, 5% का इन्फ्लेशन हो, तो आज का वैल्यू होता है 48,600 रुपया। इसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू और इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। मेरा क्वेश्चन होता है, क्या इतने से पैसे में बूढ़ा बूढ़ी का जिंदगी गुजर बसर हो सकता है, सुखमय जिंदगी गुजर सकता है? आप कहेंगे बूढ़ा बूढ़ी मतलब और बाकी लोग, भाई बाकी लोग तो गए कनाडा, अकेले ही बचना है, कोई नहीं रुकने वाला है यहाँ पे, आपके साथ जितना भी आप ताम झाम कर रहे हैं ना, वो कोई नहीं रुकने वाला है, छोड़ के जाएंगे, नहीं कनाडा जाएंगे, दिल्ली बम्बे कलकत्ता मद्रास बेंगलोर तो चले ही जाएंगे। तो दो लोगों के लिए 48,000 रुपया मोर देन सफिशियंट है और इसके लिए आप मात्र आज 5,000 रुपया दे रहे हैं, जिसका प्रेजेंट वैल्यू आज ही 48,000 रुपया है। मतलब 5,000 रुपया दे रहे हैं एक हाथ से और दूसरे हाथ से 48,000 रुपया ले रहे हैं, जो कि उस समय 30 साल के बाद 2,10,000 है, उस समय 2,10,000 है, आज का 48,000 रुपया है। तो अभी तक तो जितना भी ये सब चल रहा था ना, ये सब नौटंकी था। मेन क्वेश्चन ये आता है कि जिस फंड में इन्वेस्ट किए थे चलता आया, उसी फंड में बना रहा हूं कि सेफ सेफर वाला कुछ गेम खेलूं? तो यहां पे मेरा अब आंसर है कि आपने 10,000 का SIP किया,
शुरुआत में तो जानते ही हैं मैं क्या बोलता हूँ, मिड कैप स्मॉल कैप में 30 साल तक लगातार रहा 3.5 करोड़ रुपया 12% के रेट से बन गया। यदि आपके पोर्टफोलियो पे इतना ही पैसा हो तो पैसे को स्विच कर दीजिए लार्ज कैप में, बैलेंस फंड में, सेफ फंड में स्विच करके पैसा लेना शुरू कर दीजिए। आप कहेंगे क्यों स्विच कर दें, क्योंकि इतना ही पैसा है और अभी एज ज़्यादा हो गया है तो रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बेटा बेटी जो भी था वो पैसा देने रहे, क्योंकि उनका नौकरी लगते ही 1 करोड़ का एक फ्लैट लिया, सारा पैसा उसके ईएमआई में जा रहा है, तो आपको पैसा कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सेफ सेफर चलना है। यहाँ पे स्विच करने के बाद यहाँ से आप 2,10,000 रुपया ले लेंगे। कब तक लेंगे, इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। ये ब्याज का पैसा खा रहे हैं, वो पैसा पड़ा हुआ है 3.5 करोड़ रुपया, वहाँ से ब्याज ले रहे हैं, तो ब्याज का पैसा कभी खत्म नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अब यहाँ पे एक दूसरा फैक्टर आता है कि 10,000 रुपये पर मंथ का SIP तो किया मिड कैप स्मॉल कैप में, पर 15% के रेट से पैसा 7 करोड़ रुपया बन गया। यहाँ पे देखते हैं कैलकुलेटर में आके कि 12% के रेट से 3.5 बनना था और 15 दे दिया गलती से, 7 करोड़ रुपया बन गया। अब जब 7 करोड़ रुपया बन गया तो उस पैसे को हम यहीं पे रहने देंगे और बोल देंगे सबको, मोगेम्बो को, कि 50% लेना है, षड्यंत्र करना है, ले लेना। कभी 2008 में किए थे, फिर इस भूतकाल में किए, 10-12 साल के बाद कुछ और कर दोगे, क्लाइमेट चेंज, ये वो ताम झाम सब कुछ तो आपका है ही, शोर करना, मार्केट गिराना, गिरा दिया बेटा, ले लेना 7 करोड़ में 3.5 करोड़, ओम भूर्भुवः स्वः, ले लेना। अब जो बचा 3.5 करोड़ बच गया, उससे हम जीवन यापन कर लेंगे। तो ऐसे स्थिति में जब आपका पोर्टफोलियो जो आपने कैलकुलेट किया आज राजू के साथ मिलके 3.5 करोड़ रुपया में जीवन यापन हो जाएगा, पर आपके पोर्टफोलियो में 7 करोड़ हो गया, पैसा को यहीं रहने दीजिए यथावत। मिड कैप स्मॉल कैप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, आधा पैसा जिसको लेना है मार्केट से ले लेना और वहां से 2,10,000 रुपये पर मंथ अपने लिए पेंशन लेते रहेंगे। मुझसे पूछेंगे तो मैं जहां पे इन्वेस्टेड हूं जिंदगी भर यहीं पे इन्वेस्टेड रहूंगा, मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड रहूंगा और वहां से पेंशन लूंगा। आप कहेंगे क्यों ऐसा करेंगे, तो मुझे जितना रिस्क लेना था मैंने ले लिया और पोर्टफोलियो मैंने जितना सोचा था उसका 2 गुना हो गया है, और मैं आधा बोलता हूं जिसको लूटना है लूट लेना षड्यंत्र करके, तो मैं हमेशा यहीं पर बना रहूंगा। जिनको सेफ चलना है तो सेफ के लिए आपको लार्ज कैप और बैलेंस फंड में रखना चाहिए, और ज़्यादा पैसा हो जाए पोर्टफोलियो पे तो मिड कैप स्मॉल कैप में बने रहिए। तो आपका एक क्वेश्चन फिर से शुरू होता है कि कहाँ से शुरू करूँ, तो जैसे ये क्वेश्चन कोई पूछते हैं ना फोन पे या मैसेज में, कहाँ से शुरू करूँ, तो एक गाना याद आता है, तुरुरु 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 तुरु कहाँ से करूँ मैं प्यार शुरू। तो यहाँ पे जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो सीधा आपको आना है StarSIP.in के वेबसाइट पे और 5 स्मॉल कैप SBI निपोन जो भी यहाँ पे दिखा रहा है, पहला फंड का नाम बोलते हैं SBI स्मॉल कैप, दूसरा है निपोन स्मॉल कैप, पिछले 10 साल में 12 लाख का वैल्यू यहाँ पे बनाया है, 1 करोड़ 21 लाख, और दूसरे फंड ने बनाया है 1 करोड़ 12 लाख, परसेंटेज रिटर्न चेक करते हैं 26% 25% का। इसी तरह से 5 स्मॉल कैप ले लेंगे और 5 मिड कैप ले लेंगे। मिड कैप कैटेगरी में देखते हैं SBI मिड कैप ने पिछले 10 साल में 12 लाख का वैल्यू बनाया है 81,33,000 रुपया, यहाँ पे परसेंटेज रिटर्न चेक करते हैं तो 21% का। तो हमेशा जो है ना चाल चले सादा निभे बाप दादा, 5 मिड कैप 5 स्मॉल कैप लगा के छोड़ दीजिए, वेल्थ क्रिएशन हो ही जाएगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप ऑनलाइन म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि ऑनलाइन करने में फ्रॉड हो गया, तो फ्रॉड हो गया इसके लिए मैं बोलता हूँ मात्र 100 रुपया का SIP कीजिए, 6 महीना देखिए, 6 महीना ऑब्जर्व कीजिए कि कौन भाग गया, डूब गया, हेरा गया, खो गया, आप नहीं मिल रहे, क्या हो रहा है, सब कुछ एक ही बार 100 रुपया डालना है, छोड़ देना है। देखिए स्टेटमेंट आया, कुछ आया, कॉल सेंटर बात हो रहा है, SBI का कोई मैसेज आ रहा है, मात्र 100 रुपया कीजिए, विश्वास होगा, भरोसा होगा, तब 10,000 20,000 50,000 1 लाख जितना करना कीजिए। नहीं ऑनलाइन करना चाहते हैं SBI के ब्रांच में जाइए, जगह जगह पे ब्रांच है, गांव में शहर में, वहां जाके SBI म्यूचुअल फंड में SBI स्मॉल कैप SBI मिड कैप से शुरुआत कीजिए और वेल्थ क्रिएशन करने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए जर्नी शुरू कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में अपने दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।